आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। मेरे पास में यहाँ पे दो मल्टीमीटर है, एक है जोटेक का और दूसरा एक है विन एपेक्स 108D मॉडल। तो इन दोनों मल्टीमीटर में आज एक मल्टीमीटर ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि वो कौन सा मल्टीमीटर है जिसकी खासियत जो है और जिसका जो फंक्शंस जो है वो बहुत अच्छे हैं अब तक के सभी मल्टीमीटर के अंदर। और दूसरी चीज़ें इसके अंदर समानताएँ ये है कि ये जो मीटर है और ये जो है, इन दोनों मीटर अपने पेंसिल सेल से ही चलते हैं। इसके अंदर दो पेंसिल सेल लगते हैं, यानी कि टोटल 3 वोल्ट पे ही चलते हैं इन दोनों मीटरों के अंदर। और एक समानता ये है कि इसके अंदर एक नया फंक्शन है NCV, यानी कि फील्ड इफेक्ट। तो इसके अंदर एक NCV का, फील्ड इफेक्ट का एक फंक्शन है। तीसरी इसके, इन दोनों के बीच में समानता ये है कि ऑटो रेंजिंग है, लेकिन इसके अंदर ऑटो रेंजिंग के लिए आपको मल्टीपल फंक्शंस है, जबकि इस मीटर के अंदर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ये भी ट्रू RMS है, ये भी अपने ट्रू RMS है। तो बहुत ही लो कॉस्ट में और लो बैटरी वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाली ये मल्टीमीटर है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ऑटो ऑफ और जो इसका जो डिस्प्ले है वो पूरा डिजिटल डिस्प्ले है। इसके अंदर आपको, इसके अंदर भी आपको लाइट मिल जाएगी इंटरनली, इसके अंदर तो हमेशा वो रहता ही है। तो एक चीज़ ये है, ऑटो ऑफ का भी फंक्शन है और इसको आपको ऑटो ऑफ नहीं करना है, कंटिन्यू ऑन रखना है, तो वो भी हमारे इस मीटर के अंदर भी मैंने देख लिया है, वो फंक्शन सभी है। तो ये मीटर को छोड़ देते हैं, लेकिन ये मीटर ने मुझे ज़्यादा सरप्राइज किया है। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसके लिए मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो ये इसलिए सरप्राइज कर रहा है क्योंकि इसके अंदर देखो कोई रोटरी स्विच नहीं है, ये बिल्कुल ऑटो मोड पे चलता है। जबकि इस वाले मीटर के अंदर हमें अलग अलग फंक्शंस इसके अंदर सेट करने पड़ते हैं, जैसे कि समझो डायोड का मोड, कैपेसिटेंस का मोड, हर्ट्ज का मोड, वोल्ट का मोड, NCV का मोड, सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग बटन दिए हैं। जबकि इसके अंदर यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मीटर आपका सभी ये ऑटो रेंज में है, यानी कि आप NF से लेके MF तक के कैपेसिटेंस चेक करते हैं, या फिर रेजिस्टेंस चेक करते हैं, या फिर बजर मोड में आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये 50 ओम्स तक बजर लगता है, यहाँ पे लिखा ही है 0.12 50 ओम्स। और इसके अंदर NCV फील्ड इफेक्ट, इस फील्ड इफेक्ट के बारे में भी अभी हम लोग समझेंगे। फील्ड इफेक्ट बहुत ही बढ़िया फंक्शन दिया गया है इसके अंदर। इसके अंदर 1000 वोल्ट तक ये AC वोल्ट को मेज़र करता है, DC वोल्ट को वो मेज़र करता है, और 750 वोल्ट AC वोल्टेज को वो मेज़र कर सकता है। एम्पियर रेटिंग के अंदर देखिए तो 10 एम्पियर तक के एम्पियर रेटिंग हमारे यहाँ पे कर सकते हैं, और एक डायोड मोड भी है कि डायोड भी टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये एक ऑटो रेंज वाला, लेकिन आपको यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं करना है। यहाँ पे और फंक्शंस जो है वो इस तरह से कि यहाँ पे बैटरी है, टॉर्च, तो ये टॉर्च है, ये किस काम में लगेगी उसके बारे में भी समझेंगे। करंट लाइट जो है उसके लिए यहाँ पे होल्ड के ऊपर ही एक फंक्शन दिया है, इंटरनल फ्लैश LED ऑन करने का। ये NCV का फंक्शन है जो हमने FE के लिए समझा, तो FE के लिए भी हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो इस मल्टीमीटर को अभी मैं एक DC पावर सप्लाई में लगाता हूँ। तो DC पावर सप्लाई मेरा यहाँ पे जो है 10.74 वोल्ट पे सेट हुआ है। तो अभी मैं इसके प्रॉप को लगा के चेक कर लेता हूँ, और इसकी जो स्पीड है वो देखिए कितने स्पीड में वो चेक कर लेता है कि ये DC वोल्टेज है। तो यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया कि 10.74 DC वोल्टेज है। अगर आपका प्रॉप यहाँ पे इस तरह से रिवर्स में है तो वो नेगेटिव वोल्टेज भी बता देगा, यानी कि आपका प्रॉब यहाँ पे माइनस में है तो वो भी तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। अभी मैंने ये DC किया, वैसे ही अगर समझो मैं अगर AC को चेक करता हूँ तो ये मेरा मेन पावर सोर्स है। तो इसके अंदर सीधा ही मैं AC के अंदर यहाँ पे मैं कोई स्विच प्रेस नहीं करता हूँ, सीधा ही AC में चेक करता हूँ। अभी तो उसने यहाँ पे चेक कर लिया 238 वोल्ट AC। तो इस तरह से AC भी वो डिटेक्ट कर लेता है। ट्रू RMS यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है, और उसी समय में अगर मैं सीधा ही DC के लिए चेक करता हूँ
तो ये डीसी भी चेक कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली वो डीसी भी ले लिया। अभी साथ ही साथ में मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, तो ये कंटिन्यूटी मोड में आ गया। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन हमें सेट करना नहीं है, मेरे पास में यहाँ पे अलग अलग चीजें है। अभी मैं समझो ये डायोड को चेक कर रहा हूँ, तो ये डायोड मोड पे आ जाएगा। अभी इसके रिवर्स में अगर समझो मैं यहाँ पे कैथोड के ऊपर रेड प्रॉब और एनोड के ऊपर ब्लैक प्रॉब लगाता हूँ, कोई वैल्यू दिखनी नहीं चाहिए, वो नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, क्योंकि रीजन ये है मेरा खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक प्रॉब को टच करो लेकिन दूसरे प्रॉब को आपको टच नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बता रहा। जैसे ही मैं प्रॉब को उल्टा देता हूँ, यानी कि अभी एनोड है उसके ऊपर रेड प्रॉब और कैथोड के ऊपर मैंने ब्लैक प्रॉब लगाया, तो इसने वो डायोड मोड पे मुझे बता दिया। तो ये डायोड की टेस्टिंग हो गई। तो वैसे ही समझो मेरे पास में 10 ओम्स के रेजिस्टेंस है। रजिस्टर हम लोग अभी चेक कर लेते हैं, तो इसका रजिस्टेंस किस तरह से वो चेक करता है, उसकी वैल्यू किस तरह से दिखाता है वो भी देख लेते हैं। मैं कोई भी एक रजिस्टर को चेक कर लेता हूँ, इसने 10 ओम का रजिस्टर जो है वो भी चेक कर लिया। तुरंत मैं डीसी के ऊपर चला जाता हूँ, तो ये तुरंत डीसी भी चेक कर लेगा, ये डीसी वोल्टेज है। यानी कि अभी आपको मीटर के ऊपर कुछ भी सेटअप करना नहीं है। तो ये रजिस्टेंस हमने चेक किया, वैसे ही समझो एक हाई वैल्यू का रजिस्टेंस अगर हम लेते हैं, ये 680 किलो ओम्स का है, तो उसकी वैल्यू वो किस तरह से दिखाता है वो अभी हम लोग देखते हैं। ऊपर की ओर आपको एम ओम्स दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लाइट चालू कर देता हूँ इसका, मेगा ओम्स यानी कि यहाँ पे 673 यहाँ पे किलो ओम्स दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारे किलो ओम्स की वैल्यू। वैसे ही समझो कि मेरे पास में एक रजिस्टर है 3.3 किलो ओम्स का, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 3.3 किलो ओम्स आपको ऊपर किलो ओम्स की वैल्यू में दिखाई देगा। मैं लाइट यहाँ पे चालू कर देता हूँ, 3.3 किलो ओम्स आपको ऊपर की, और यहाँ पे के दिख रहा है। तो इस तरह से अपने आप वो सेट कर लेता है ओम्स में, किलो ओम्स में या फिर मेगा ओम्स में। अगर समझो मैं वापस यहाँ पे एसी पे आ जाता हूँ, तो उसने एसी भी चेक कर लिया, वापस डीसी, डीसी चेक कर लिया। अभी मैं एम्पियर चेक करना चाहूँ, एम्पियर के लिए मैं यहाँ से प्रॉब निकालता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे एम्पियर भी दिखा दिया, बता दिया, कोई मुझे सेटअप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अभी 4.8 एम्पियर, 4.9 एम्पियर है, यहाँ पे भी 4.9 एम्पियर है। तो यहाँ पे आपको एम्पियर के लिए एक अलग से प्रॉब दिया हुआ ही है। अगर मैं वापस इस तरफ पे आ जाता हूँ, मैं कनेक्शन नहीं निकालता, वापस इस तरफ पे आ जाता हूँ, तो अभी ये वोल्टेज दिखाई देगा। यानी कि कोई स्विच यहाँ पे प्रेस करनी नहीं है, वो सीधा ही बता देगा। अभी समझते हैं फील्ड इफेक्ट का फंक्शन, कि फील्ड इफेक्ट का फंक्शन क्या काम करता है। फील्ड इफेक्ट फंक्शन के लिए हमें प्रॉब की जरूरत नहीं है, तो मैं इस प्रॉब को अभी निकाल देता हूँ। यहाँ पे आगे की ओर एक लाइट है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी लेवल पे कोई काम करना है और अगर आपके किस केबल के ऊपर फेज आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, वो अगर चेक करना है, तो केबल को काटे बगैर आप फील्ड इफेक्ट का इस एनसीवी के द्वारा फंक्शन चेक कर सकते हैं। मैं अभी इस लाइट को बंद कर देता हूँ। तो ये है एनसीवी सेंसर। तो ये एनसीवी सेंसर इस तरह से काम करता है। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में एक डेल का एडाप्टर है। हमें पता है कि यहाँ पे इस तरफ पे डीसी सप्लाई आता है और इस तरफ पे एसी सप्लाई आता है। तो फील्ड इफेक्ट जो होगा वो एसी पल्स में ही आएगा। तो एसी हमारा यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से 4 लाइन दिख रही है। तो एनसीवी वाली लाइन जो है, एनसीवी वाला जो बटन है उसको प्रेस करके रखो और यहाँ पे इस तरह से चेक करो कि जिस तरफ पे फेज नज़दीक होगा वहाँ पे इंडिकेटर इस तरह से स्ट्रांग आएगा। अगर न्यूट्रल वाला वायर है वहाँ पे इंडिकेटर हमारे इस तरह का नॉर्मल आएगा।
तो इससे हमारा वायर कौन सा है, फेज वाला और न्यूट्रल वाला, वो हमें समझ में आ जाएगा। तो इससे एक फायदा ये होता है कि हमारे जब दो वायर जाते हैं कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ना, इलेक्ट्रिक किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर, तो उसमें से फेज और न्यूट्रल को अगर जानना है तो हम इस तरह से इसको जान सकते हैं कि फेज किस तरफ पे है और न्यूट्रल किस तरफ पे है। बेसिकली यहाँ पे बता रहा है वो, क्योंकि फेज और न्यूट्रल इस शील्डेड वायर के अंदर एक ही में है, लेकिन न्यूट्रल वायर के ऊपर इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये न्यूट्रल का वायर है। फील्ड इफेक्ट यहाँ पे नहीं काम आएगा क्योंकि ये डीसी है, ये लाइन हमारी डीसी की है। तो अगर समझो इस फील्ड इफेक्ट के पास में हम जाके उसको इस तरह से चेक करते हैं, हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये डीसी के ऊपर कभी भी फील्ड इफेक्ट का हमें ये मीटर नहीं बताएगा, हमें जानना एसी के लिए ही है। इवन समझो कि मेरे पास में ये माउस है, मेरे सिस्टम के साथ में ये माउस लगा हुआ है, इसके अंदर भी एक एसी पल्स हमारे जो क्लॉक के द्वारा आते हैं, तो वो भी हमारा फील्ड इफेक्ट इस तरह से बताएगा। मैं इसकी लाइट एक बार ऑन कर देता हूं। देखिए ये मेरा, इसके अंदर से पल्स आ रहे हैं तो पल्स को वो डिटेक्ट कर रहा है। तो ये फील्ड इफेक्ट का जो फंक्शन है वो भी हमारे लिए यहाँ पे काम में आने वाला है कि कहीं पे भी अगर आपको फेज न्यूट्रल के बारे में जानना हो तो केबल को आप वहाँ पे उस केबल को काटे बगैर, छुए बगैर आप इसके फील्ड इफेक्ट से भी जान सकते हैं कि ये फेज और न्यूट्रल वायर है या फिर हमारा डीसी वाला सप्लाई है। तो ये जो मीटर जो है ये एक Winspex कंपनी का है और यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का R लिखा हुआ है। आपको शायद ऐसे बहुत सारे मीटर आपको इंटरनेट के द्वारा आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला Winspex का भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि वेबसाइटों के ऊपर भी आपको दूसरे भी मीटर दिख जाएंगे लेकिन वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले नहीं होंगे शायद, वो ये सभी मीटर हमारे इस मीटर की डुप्लीकेशन होगी। तो वो डुप्लीकेट मीटर होंगे और आपको इस तरह से एक बार चेक कर लेना है कि क्या Winspex लिखा है और उसके ऊपर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बना हुआ है, तो वो हमारा एक ओरिजिनल मीटर कहलाएगा। इसके अंदर लेकिन एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आपका अगर समझो आपके पास में मिली ओम मीटर है एनिट का, तो एनिट का मिली ओम मीटर इस मीटर के अंदर काम में नहीं लगेगा। उसका रीज़न ये है कि मिली ओम मीटर को हमें एक डेडिकेटेड 2 वोल्ट डीसी की रेंज चाहिए, जैसे कि इसके अंदर हम लोगों ने हम इसके द्वारा सेट कर सकते हैं कि इसको 2 वोल्ट डीसी पे कंपलसरी रख के ही चेक करना होता है। लेकिन इस मीटर के अंदर ऐसा कोई डेडिकेटेड वोल्टेज सिलेक्शन ना होने के कारण इसके अंदर आप एनिट का मिली ओम मीटर यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आपके पास में या फिर आपको एनिट का मिली ओम मीटर यूज़ नहीं करना है तो मैं इस मीटर को रिकमेंडेशन करता हूँ कि ये जो मीटर है वो सभी रेंज ऑटो लेता है और बहुत अच्छी तरीके से और बहुत क्विकली इसका जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट में हमें बता देता है।